हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मानिया। आज भेड़िया मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इसलिए हम इस मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। वी ऑल नो कि भेड़िया मूवी स्त्री यूनिवर्स की मूवी है और इसी बात को लेकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है और इसलिए इस मूवी के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी, एक्टर्स की एक्टिंग, इसका डायरेक्शन और इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो मूवी में वरुण धवन के कैरेक्टर का नाम भास्कर होता है, जो दिल्ली में रहता है और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो अरुणाचल प्रदेश आता है। वो यहाँ के जंगलों के बीच से एक रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन जल्दी ही भास्कर को ये फील होता है कि यहाँ के लोगों और जानवरों के लिए ये जंगल बहुत मायने रखते हैं और कोई भी उन्हें जंगल काटने नहीं देगा। भास्कर के लिए काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन पैसों के लिए वो ये करने के लिए भी राजी हो जाता है। वो इस इलाके के यंग लोगों को मनाना शुरू करता है। ऐसे ही एक रात जब भास्कर अपने होटल जा रहा होता है तो उसे एक भेड़िया काट लेता है। भास्कर की जान तो बच जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसमें एक भेड़िए की पावर्स आने लगती है और वो एक इच्छाधारी भेड़िया बन जाता है। अपने भाई जनार्दन और दोस्त जोमिन के साथ वो इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिका यानी कृति सेनन के कैरेक्टर और पांडा यानी दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर से होती है। पांडा से भास्कर को पता चलता है कि जंगल में एक विषाणु रहता है और वो उसी को काटता है जो जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और शायद भास्कर को भी उसी विषाणु ने काटा है। अब आगे कहानी में ये दिखाया गया है कि क्या भास्कर वापस से नॉर्मल इंसान बन पाता है, क्या जंगल के इम्पोर्टेंस को समझ पाता है और विषाणु के पीछे की कहानी क्या है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलेंगे। अब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो वरुण धवन के लिए ये मूवी पूरी तरह से अलग और नई है। इस फिल्म के लिए वरुण ने अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत की है और वो फिल्म में साफ दिखाई देती है। इस मूवी में वरुण अपनी छाप छोड़ते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि भास्कर वरुण के द्वारा निभाए जाने वाले अब तक के कैरेक्टर्स में सबसे अलग है और वरुण ने इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभिषेक बनर्जी का भी इस मूवी में इम्पोर्टेंट रोल है। उनकी कॉमिक टाइमिंग आपको बहुत हंसाती है। डॉक्टर अनिका के रोल में कृति सेनन परफेक्ट लगी हैं। उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। वरुण और कृति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल कहें तो इस मूवी के सारे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है और एक्टिंग के मामले में इस मूवी को ख़राब नहीं कहा जा सकता। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले स्त्री मूवी को डायरेक्ट किया था। यह मूवी स्त्री यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है और इसकी झलक आपको मूवी में भी दिखाई देती है, लेकिन क्यों और कैसे ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अमर कौशिक ने कॉमेडी और मैसेज तीनों को बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। कहीं भी ऑडियंस को ये नहीं लगता है कि इस मूवी में ज्ञान दिया जा रहा है। थ्रिल और कॉमेडी के साथ इस मूवी में मैसेज देने की कोशिश की गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म कुछ स्लो लग सकती है, लेकिन फिर भी आपको कहानी से बांधे रखती है। वहीं सेकेंड हाफ में कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। इस मूवी की कॉमेडी बहुत अच्छी है, जो आपको टाइम टाइम पर हंसाती है तो कुछ सीन्स आपको डराते भी हैं। इसमें कई प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि नेचर को नुकसान पहुँचाकर किस तरह से हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों को कैसे सब नॉन इंडियन समझते हैं। फिल्म के डायलॉग्स बहुत इफेक्टिव और डीप हैं। फिल्म VFX और इसकी सिनेमेटोग्राफी इस मूवी को और ख़ास बनाती है। मूवी में आपको अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि बॉलीवुड की मूवीज़ में VFX के साथ होता है, इस मूवी में वैसा नहीं है। जब वरुण धवन इंसान से भेड़िया बनते हैं वो सीन बहुत मज़ेदार है। इस मूवी के प्लस पॉइंट्स की बात की जाए तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी, VFX, डायलॉग्स और एक्टर्स की एक्टिंग इसके प्लस पॉइंट्स होंगे। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो इस मूवी में कई लूपहोल्स हैं और कई सवालों के जवाब आपको मूवी के एंड तक भी नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है। इसके अलावा ये मूवी बहुत अच्छी है और बॉलीवुड के इस टाइम पर ऐसी मूवीज़ की ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले ही दृश्यम मूवी रिलीज़ हुई है और उसको ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में इस मूवी के रिलीज़ होने से दोनों मूवीज़ की टक्कर होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऑडियंस भेड़िया मूवी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एंड इट गुड न्यूज़ फॉर द फिल्म मेकर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।